Hello everyone, I'm missing you all so much. आप सभी जानते ही हैं मेरी आवाज को पहचान ही गए होंगे सभी। थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ लेकिन नो प्रॉब्लम, आई मिसिंग यू ऑल। वन थिंग बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। If I will send here video next time, please press here ring button also. When you will get, yeah, when will I share new video, you will get the link of the new videos there. Clear? One thing also, physics is not a difficult subject. It's not too easy, but this subject wants little bit more hard work. Physics wants here little bit more hard work than that of other subject. थोड़ा सा sacrifice करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, यू विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। टुडे दिस माय फर्स्ट वीडियो टू रिकॉर्ड ये ऑफ योर सिलेबस। फर्स्ट चैप्टर इज देयर फोर्स। कुछ टॉपिक आपके सिलेबस से कट गए हैं मुझे पता है, शुरू में जब आप पुराने बुक उठाएंगे तो उसमें शुरुआत में कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं और वो टॉपिक आपके 9th क्लास में एड कर दिए गए हैं, लेकिन मैं आप लोगों का बेसिक बनाने के लिए वो सारे के सारे टॉपिक एक बार और आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं इधर कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोर्स, कि फोर्स है क्या, फोर्स से आप लोग समझते क्या है। सब जगह यही बताते हैं फोर्स में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, एक हमारी होती है पुल, सेकंड चीज हमारी क्या होती है, पुश। वन थिंग इज देयर पुल, सेकंड थिंग इज देयर पुश। जानते हैं जब आपके पास कोई बॉक्स है, जब आप उस बॉक्स को पीछे की साइड से आगे की तरफ धकेल लेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, पुश बोलते हैं, ठीक है। या फिर कोई ऐसा बॉक्स है, अगर आप उसको अपनी तरफ खींचेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, पुल बोलते हैं, ठीक है। तो एक हमारा पुश है, सेकंड हमारा क्या है, पुल है। तो दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ फोर्स। आई कैन से हियर इट इज डिफाइंड एज दैट इन विच वी स्टडी अबाउट द पुल एंड पुश ओनली। बट बिफोर एक्सप्लेनिंग द फोर्स, वन एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड टर्म यू शुड गेट कंफर्मेशन या सिंपली नॉलेज ऑफ दैट थिंग्स। वन थिंग आई एम टेलिंग टू यू, नंबर वन, रिजिड बॉडी। सेकेंड इज नॉन रिजिड बॉडी, नॉन रिजिड बॉडी। इन दोनों चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, बोथ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले मैं इनको चीजों को, पहली बात तो एक बात याद रखना, जब भी आप फिजिक्स को करने की कोशिश, देखो ये पहला वीडियो है, बेसिक वीडियो है, इसके अंदर मैं ऐसे ऐसी चीजें भी बता सकता हूँ या आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में भी ऐसी बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि जिसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। इन व्हेन यू विल स्टार्ट योर फिजिक्स सब्जेक्ट ऑन दैट टाइम, नो नीड योर हार्ड वर्क, simply it physics wants your attention. If you will give your attention toward the subject, you can give them less time, no problem, but you have to keep your attention 100% to your subject only. When you will give 100% attention to your subject, na, I'm saying surety here you can understand, I think so. Clear? So listen carefully. इसके लिए और इन द केस ऑफ फिजिक्स यू हैव टू डू मोर एंड मोर एग्जांपल्स, क्योंकि इतनी सारी चीजें रटना बहुत मुश्किल होता है। अगर चीजों को आप समझेंगे, एग्जांपल के थ्रू उनको दिमाग के अंदर सेट करेंगे, तो मुझे नहीं लगता आप नहीं कर पाएंगे, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यू कैन डू इन बेस्ट वे, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप इन योर माइंड, इन द केस ऑफ फिजिक्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम यू हैव टू डू मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स, यू हैव टू सॉल्व more and more numericals, and you have to focus on the examples only. You have to connect the things with the example. When you will connect the things with the example, I think so, you can understand properly and completely. Clear? And one thing, listen, I'm telling you rigid body and no, now I'm going to explain all things with the help of example only. See here, rigid body, main ek box le raha hu, kya le raha hu, ek box. Tum log jante hain हर एक जो चीज होती है वो किससे बनी रहती है, वो हमारी चीज छोटे छोटे एटम से बनती है, किससे बनती है, एटम से। आप सब जानते हैं तुम्हारे पास कोई भी मटेरियल है, वो मटेरियल बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ
combination of atoms only. Combination of atoms. और atoms can be compressible. Atoms को आप दबा सकते हैं. और कई चीज ऐसी होती है उनके atoms को compress ही नहीं किया जा सकता. उनके एटम को जब आप कंप्रेस ही नहीं कर पाएंगे तो इससे बॉडी का पोजीशन कभी चेंज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी. अब देखो, दिस इज अ कार्डबोर्ड. व्हाट इज दिस? दिस इज अ कार्डबोर्ड. अगर आप इसको दबाने की कोशिश करें, क्या आप इसको दबा पाएंगे? आप इसको कभी भी नहीं दबा पाएंगे. यू आर नॉट एबल टू प्रेस इट. यू आर नॉट एबल टू प्रेस इट. लेकिन मेरे पास ये है, ये कैप है. अगर मैं देखो इस कैप के ढक्कन पे फोर्स लगाता हूँ तो क्या ये मुड़ रहा है? तो आई कैन से इट कैन बी कंप्रेसिबल. यू कैन चेंज इट्स शेप बाय अप्लाइंग द फोर्स ओनली. यू कैन पुश और यू कैन पुल इट. तो यू आर चेंजिंग द शेप ऑफ दिस कैप. ओके और नॉट ओके? तो आई कैन से, यू कैन सी हियर, इफ आई विल प्रेस इट आई कैन चेंज द शेप ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इजली, ऑफ दिस कैप, ऑफ द पेन ऑफ द कैप. ओके, तो आई कैन से दिस थिंग्स कैन बी कंप्रेसिबल. तो आई एम जस्ट टुक हियर, आई टुक हियर टू एग्जाम्पल्स. वन इज द कार्डबोर्ड, सेकेंड इज वॉट दिस कैप. ओके, देन हाउ कैन वी से इफ ए दिस इज ऑब्जेक्ट. ओके, तो आई कैन से अगर मैं यहां पे इस ऑब्जेक्ट के इस सरफेस के ऊपर मैं फोर्स लगाता हूं, इस ऑब्जेक्ट के इस सरफेस के ऊपर मैं क्या लगाता हूं? फोर्स लगाता हूं. जैसे मैं फोर्स लगाता हूं तो ये जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन ए, इसके साथ क्या है? बहुत सारे मॉलिक्यूल है यहां पे, ठीक है. फिर उससे ये अगली लाइन है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है. और इसके बाद वो अगले वाली लाइन है मॉलिक्यूल की. तो सिंपली हियर इज अ कंप्लीट अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन बिटवीन दिस मटेरियल और दिस एनीथिंग मैटर. तो व्हेन यू विल अप्लाई फोर्स हियर, अगर ये लाइन आप ना दबा सको तो आप इसको दबा ही नहीं पा रहे. तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल अंदर की तरफ नहीं जाएंगे, ये वाली लाइन फिर और अंदर की तरफ नहीं जाएगी. तो इसका मतलब इस लाइन का जो पोजीशन है, जो पहले था, हमेशा वही रहेगा. आप इस लाइन की पोजीशन को चेंज कर ही नहीं सकते. तो हम क्या कह सकते हैं? भाई मॉलिक्यूल में किसी तरीके का मोशन नहीं है. नो मोशन इन द मॉलिक्यूल्स, इन द मॉलिक्यूल्स और एटम्स, यू कैन से. ओके और नॉट ओके? अब इसके मॉलिक्यूल्स और एटम में कोई मोशन ही नहीं. अगर आपने फिर भी क्या किया, इतना ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया, इतना ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया कि इसके अंदर मॉलिक्यूल तो मूव नहीं किए, ये पूरा का बॉडी, पूरा बॉडी मूव करना शुरू कर गया. पूरा का पूरा बॉडी मूव करना शुरू कर गया. तो हम क्या कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल में तो इसमें मोशन नहीं आएगा. अगर मॉलिक्यूल में मोशन नहीं आया तो बॉडी कंप्रेसिबल कभी नहीं हो पाएगी. बॉडी कंप्रेसिबल नहीं हो पाएगी, लेकिन पूरी की पूरी बॉडी में मोशन हो सकता है. होल बॉडी गेट्स मोशन. ओके और नॉट ओके? तो दिस इज द बेसिक थिंग. तो बोथ कंडीशन आई कैन रेफर फॉर रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी. ओके, विच थिंग्स आई रिवील हियर? बेसिक थिंग, जो आपकी रिजिड बॉडी होती है, रिजिड बॉडी का शेप क्या रहता है? बिल्कुल फिक्स. और जब ये पूरी बॉडी के फिक्स रहेगी तो इसके अंदर मॉलिक्यूल में कोई भी मोशन नहीं आएगा. लेकिन जब आपने ज्यादा ही फोर्स अप्लाई कर दिया तो पूरा का पूरा बॉडी मूव कर सकता है. जैसे कि आप टेबल के एग्जांपल लेते हैं, घरों में अलमारी के एग्जांपल लेते हैं, बेड के एग्जांपल लेते हैं. अगर आप अलमारी पे फोर्स लगाएं, बेड पे लगाएं, टेबल पे लगाएं, तो टेबल पूरा मूव कर जाता है. लेकिन टेबल का वो कॉर्नर कभी बेंड नहीं करता जहां पे आपने फोर्स अप्लाई किया है. तो बॉडी शेप विल रिमेन सेम, बट बॉडी विल मूव टोटली कंप्लीटली from one point to any another point. You can take any example in it. All solids. Clear? You can say what? Wood. Okay na? You can say here a biscuit also. You can take any another example like that. Nee, dry biscuit. Pani mein duba ke biscuit usko nahi lena hai. Sukhe wala. Theek hai? To jo solids maximum le sakte hain. Hard iron. तो ये इसके सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं रिजिड बॉडी के. तो दिस इज द रिजिड बॉडीज. ओके, सेकंड थिंग आई एम टेलिंग व्हाट? नॉन रिजिड बॉडी. अब नॉन रिजिड बॉडी कौन सी होती हैं? ये बात याद रखना. अब होगी तो इसकी उल्टी, क्योंकि मैंने नॉन लगा दिया आगे, इसका उल्टा रहेगा. अगर मैं एक बॉडी ले यहां पर और इसके ये लेयर्स मॉलिक्यूल्स की यहां पर प्रेजेंट है. ओके, ये दूसरा लेयर प्रेजेंट है, ठीक है. जैसे मैंने यहां पे फोर्स अप्लाई किया तो मैंने क्या देखा?
मैंने देखा कि ये जो पहले वाला लेयर है ये थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे बेंड हो गया, ठीक है ना। जब ये थोड़ा सा अंदर की तरफ बेंड हुआ तो जो ये स्ट्रेट लाइन मॉलिक्यूल का था वो मॉलिक्यूल थोड़े से बेंड होके इस शेप में आ गए, समझ गए। तो उससे आगे वाली लेयर इस तरीके से बन गई, ठीक है। तो कहने का मतलब इसके अंदर क्या हुआ, जब ये बेंड हुआ तो जो यहां वाली जो लेयर थी मॉलिक्यूल्स की उसके मॉलिक्यूल आगे की तरफ शिफ्ट हो गए। तो कहने का मतलब क्या है, आप और फोर्स लगाएंगे तो ये लेयर और आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो आपने एक चीज देखी कि यहां पे मॉलिक्यूल में मोशन है, मोशन इन मॉलिक्यूल्स, बट नो मोशन इन होल बॉडी, नो मोशन इन होल बॉडी, क्लियर, यू कैन सी हियर और नॉट। तो इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है, बैलून का एग्जांपल ले सकते हैं। ओके, एग्जांपल ले सकते हैं किसका, बैलून का। तो इसमें क्या होता है, देखो ये बैलून का कोई सरफेस है, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हैं वाटर का। जब मैंने बैलून पे फोर्स लगाया तो बैलून का शेप ऐसे हो जाता है, दब जाता है थोड़ा सा अंदर की तरफ, ठीक। और लगाओगे तो और थोड़ा अंदर दब जाएगा, लेकिन बैलून अपनी पोजीशन को चेंज, मान लिया यहां पे आपने इसको फिक्स कर दिया, यहां पे किसी वॉल के साथ या किसी भी दूसरे पॉइंट के साथ फिक्स कर दिया, तो आपने देखा कि ये लेयर फर्स्ट लेयर उसका अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन बैलून के अंदर किसी तरह के कोई मोशन नहीं हो रहा। अगर आप वाटर का एग्जांपल लेते हैं तो आप उसको वाटर को फिल कर दे, तो यहां पे अगर आप अपना मतलब आप अपने हाथ से ऐसे इसको पानी को प्रेस करेंगे तो आपका हाथ पानी के अंदर चला जाएगा। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल तो आपके थोड़े थोड़े दूर हो गए, और जैसे आपके मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े दूर होंगे तो आपका हाथ धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, तो मॉलिक्यूल इधर उधर चलने शुरू हो गए, लेकिन वाटर टैंक में कोई मोशन नहीं आएगा। तो सिंपली मोशन इन टू द मॉलिक्यूल्स। तो आई कैन से हियर दैट इन द केस ऑफ नॉन रिजिड बॉडी यू कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, बट इन द केस ऑफ रिजिड बॉडी you will not be able to change the shape of the object, okay or not, okay। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा example लेते हैं rope का। अब हम एक चीज basic आती है exam में भाई, explain pull and push in the form of rigid and non-rigid। अब आप कैसे apply करोगे, कैसे connection बनाओगे pull और push का rigid? तो इसके लिए आप एक छोटा सा example लो रोप का। हमें एक चीज पता है, और एक ले लो आयरन रोड। रोप को आप आसानी से बैंड कर सकते हैं, वी कैन बैंड और नॉट। हम इसको आसानी से बैंड नहीं कर सकते, नॉन बैंडिंग। तो इसका मतलब रोड कैसी हो जाएगी आपकी, रिजिट हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, नॉन रिजिट हो जाएगी, नहीं समझे हो, यस। अब एक बात बताओ, जो रस्सी है आपने इस बॉक्स को रस्सी से बांध दिया और यहां पे आप इसको पकड़ के खड़े हो, अगर आपने देखो इस रस्सी को उधर की तरफ खींचना शुरू किया तो आप इस बॉक्स को आसानी से खींच सकते हो, नहीं खींच सकते हो, तो आप इसको पुल कर सकते हो। लेकिन जब आप इसको इसी पॉइंट से रस्सी को अंदर की तरफ धकेलने की कोशिश करते हो तो क्या होगा, क्या ये बॉक्स पीछे की तरफ जाएगा, नहीं, रस्सी आपकी यहां पे इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, जो आपकी नॉन रिजिड बॉडी है उनसे आप सिर्फ पुल कर सकते हो, उनसे आप पुश नहीं कर सकते, किसी भी चीज को आप उससे पुश नहीं कर सकते। कई बच्चे बोल रहे होंगे सर कर सकते हैं अगर हम इस रस्सी को इधर की साइड कनेक्ट करके तब करें, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप उसको दूसरी किसी भी बॉडी से दूर की तरफ खींचोगे तो वो हमेशा पुल ही माना जाएगा, पुश सिर्फ बॉडी की तरफ होता है। तो कहने का मतलब नॉन रिजिड बॉडी आर एप्लीकेबल फॉर वन फोर्स ओनली, दैट कैन बी द पुल ओनली, नॉट फॉर द पुश। लेकिन अगर ये आपका बॉक्स है, अगर यहाँ पे आप कोई भी आयरन रोड की स्ट्रिप कनेक्ट कर देते हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप उधर की साइड इसको खींच सकते हो और इसी की हेल्प से आप उसको अंदर की तरफ भी धकेल सकते हो। तो कहने का मतलब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पुल भी कर सकते हो और यहाँ पे क्या कर सकते हो, पुश भी कर सकते हो, पुल भी कर सकते हो और पुश भी कर सकते हो, ओके और नॉट ओके। तो हम रिजिड और नॉन रिजिड की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पुल जो प्रेजेंट होता है वो आपका रिजिड पे भी होता है और वो आपका नॉन रिजिड पे भी होता है, अंडरस्टूड और नॉट। और जो आपका पुश है, पुश आपका सिर्फ किस पे होता है, रिजिड पे होता है, और नॉन रिजिड पे ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता। नहीं समझो, तो ये एग्जाम में प्रीवियस टाइम आई हैव सीन मेनी टाइम्स क्वेश्चन, यू कैन सी इन द एग्जाम दैट एक्सप्लेन रिजिड एंड नॉन रिजिड in the form of push and pull, then you can easily explain there rigid can be applicable for both push and
पुल बट नॉन रिजिड ओनली प्रेजेंट ऑन दोज थिंग्स विच कैन बी पुल्ड बट नॉट पुश्ड. ओके, तो सिंपली दिस इज द बेसिक एक्सप्लेनेशन, दिस इज द बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ वॉट रिजिड एंड नॉन रिजिड बॉडीज. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेज विच कैन बी द बेसिक पार्ट ऑफ योर सिलेबस. यू शुड कीप अटेंशन हियर. आई एक्सप्लेन इट. फोर्स बेसिक टर्म इज व्हाट? पुश एंड पुल. ओके, बट इट हैज टू काइंड्स. नंबर वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स, नंबर टू नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इसके लिए मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं. बस देखो, ये आपकी क्लास है. इस क्लास में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हियर? 50 स्टूडेंट्स. क्लियर? मान लेते हैं कोई टीचर क्लास में आता है, मतलब टीचर के आने से पहले तो बच्चे प्रशोर कर रहे हैं, सब बच्चे क्लास में इधर उधर घूम रहे हैं. ऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास इज प्रॉब्ली इन ऑल डायरेक्शंस, दे आर टॉकिंग टुगेदर, सिंपली डिस्टर्बिंग ऑल क्लास, नो वन इज देयर स्टडी. ओके, तो टीचर जैसे क्लास में आता है तो क्लास के अंदर फिर भी शोर हो रहा है, तो टीचर क्या करता है, एक बच्चे को अपने पास बुलाता है और उसको खींच के एक स्लैप दे देता है. ये वन स्लैप टू दैट स्टूडेंट. तो क्या हुआ, जैसे उसने उस बच्चे को स्लैप दिया तो उसने क्या किया, उसके गाल को टच किया, उसने उसके चिक को टच किया नहीं किया. तो जैसे उसने चिक को टच किया तो टच करते कौन सा फोर्स आ गया, कॉन्टैक्ट फोर्स. विच फोर्स कम्स देयर? कॉन्टैक्ट फोर्स. तो वी कैन से जब हम किसी चीज को टच करते हैं और दूसरी चीज में कुछ ना कुछ चेंज आता है या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चेंजेस आते हैं, तो इस तरीके का फोर्स कौन सा होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है. ओके, सेकंड थिंग, अब ये इफेक्ट जब आया उस बच्चे के ऊपर तो उसकी जो आवाज आई, उसको जो स्लैप पड़ा था तो उसकी आवाज पूरी क्लास में फैल गई, इको आ गया उसकी आवाज की, स्लैप की आवाज का, तो सब बच्चों ने सुना, तो सब बच्चे एकदम स्ट्रेट हो गए, सीधे हो गए. क्या टीचर ने उन सब बच्चों को स्लैप दिया? नहीं, उसने सिर्फ एक बच्चे को स्लैप दिया, तो उसका फोर्स बिना टच करे पूरी क्लास में फैल गया. तो जब कोई फोर्स बिना टच करे और हमें महसूस हो तो उस तरीके के फोर्स को क्या बोलते हैं भाई, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. अंडरस्टूड और नॉट? तो हियर इज डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस. वन आई एम डिस्कसिंग हियर कॉन्टैक्ट फोर्स. तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस द लिस्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स. नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिस्कसिंग ऑल अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स कैन से एक्शन फोर्स, कैन बी व्हाट, कॉन्टैक्ट फोर्स. क्लियर? अप्लाइड फोर्स जैसे मैं कॉपी को उठा रहा हूं, ऐसे ऊपर पेन को उठा रहा हूं, तो मैं कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहा हूं, तो मैं कुछ ना कुछ अप्लाई कर रहा हूं. तो जितने भी अप्लाइड फोर्स होते हैं सारे कॉन्टैक्ट, जिनको टच किया जाता है बाय टचिंग. Understood or not? Clear? Second point, frictional force. Later I will explain how all forces are connected together. Frictional force. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स भी कॉन्टेक्ट के सर्फिस के कॉन्टेक्ट के बीच में आ, तो बाद में बताएंगे. सी मेरा कौन सा फोर्स है, वेट. क्या है, वेट. फोर्थ फोर्स इज देयर, नॉर्मल रिएक्शन. अंडरस्टूड और नॉट? फिफ्थ फोर्स कौन सा फोर्स है, टेंशन. टेंशन फोर्स सारे बताऊंगा मैं, और ये फिजिक्स का बेस है, बी केयरफुल. सिक्स फोर्स कौन सा, कोलिजन. और इस फोर्स को दूसरा नाम भी क्या होता है, डायरेक्शनल फोर्स. ये सब फोर्सेस कब आते हैं, जब चीजों के बीच में कॉन्टैक्ट आता है. जब चीजों के बीच में क्या आता है, कॉन्टैक्ट आता है. सेकंड, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर कौन सी चीज आती है, देखिए. सबसे पहले हमारा फोर्स आता है ग्रेविटेशनल फोर्स. सन अर्थ को रस्से से बांध के नहीं रखा हुआ,
हाथ में पकड़ के नहीं रखा हुआ, लेकिन फिर भी अर्थ और सन के बीच में एक फोर्स आया हुआ है ना, वो फोर्स कौन सा फोर्स है? वो फोर्स कॉन्टेक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, उसमें किसी तरीके का टचिंग नहीं है ना। ओके, वही स्टूडेंट वाला केस। सेकेंड है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। कई बार बच्चे मस्ती करते रहते हैं, एक मैग्नेट रखा, दूसरा वो उसको अट्रैक्ट भी करता है, उसको धकेलता भी है, तो जब वो धकेलता है क्या वो टच करना पड़ता है? नहीं, वो खुद ही उससे दूर भागता है, मतलब दूर, मूविंग अवे फ्रॉम दैट फर्स्ट मैग्नेट। तो यू कैन से दिस कैन बी द नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, मीन्स मैग्नेटिक फोर्स। थर्ड फोर्स इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लास्ट फोर्स इज देयर न्यूक्लियर फोर्स। अब आई एम अरेंजिंग ऑल दिस फोर्स अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर, विच कैन बी मोर स्ट्रॉन्गेस्ट एंड विच कैन बी द लेस स्ट्रॉन्गेस्ट। यू कैन से हियर न्यूक्लियर फोर्स इज मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर हियर, लेकिन ये बहुत छोटा होता है, शॉर्ट रेंज का होता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस का तो आपको पता ही है, एक एटम है, एटम कितना छोटा है तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, तो वो न्यूक्लियस फोर्स जो प्रोटोन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के प्रोटोन और न्यूट्रॉन के बीच में होता है, वो न्यूक्लियर फोर्स होता है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो चार्ज पार्टिकल के बीच में होता है, इसको आप टच करोगे यू कैन फील इट। मैग्नेटिक फोर्स, इसमें थोड़ा कम। और सबसे लास्ट में कौन सा आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे वीकेस्ट होता, यू कैन ओवरकम इट, यू कैन ओवरकम इट। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस हियर अबाउट ऑल दिस काइंड ऑफ फोर्सेस। अंडरस्टूड और नॉट? ओके, टेक केयर।